आगे भी होते देख रहे हैं? यकीनन ऐसा संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए जो ओपिनियन पोल्स है, मेरी राय बहुत अच्छी कभी नहीं रही है, मतलब लगातार मैं कितने चुनावों को देख रहा हूं, मैं कि ओपिनियन पोल्स की भूमिका होती है किसी के पक्ष में माहौल बनाने की और किसी के पक्ष में बिगाड़ने, वही अभी से हो रहा है। मगर क्या वजह क्या है, लोकसभा का चुनाव तो 2024 में होने वाला है, मई में होगा, लेकिन अभी से शुरू हो गया है, इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, एक तो थोड़ा सा दिखाओ कि हाँ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही हैं या कुछ राज्यों में बढ़त मिल जाएगी ताकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी भी बन जाए, लेकिन उसके साथ आप दूसरा देखिएगा, जब भी दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की पसंद कौन है तो नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे 70-72% और राहुल गांधी दिखाएंगे 28-20%, इस तरह से दिखाएंगे। उनका एक मकसद है पूरा का पूरा, वो भाई ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं ना जो स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे थे कि आप कहिए तो हम इसमें से घटक बढ़त कर देंगे, तो स्टिंग ऑपरेशन पकड़े गए थे, और वही इंडिया टुडे समूह है जिसने उस पर बैन लगाया था, आज फिर उसी को लेकर के आगे आ रहा है। क्या क्रेडिबिलिटी, क्या क्या विश्वसनीयता? देखिए दूसरी बात यह है, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश के बारे में बार बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से भरपाई कर लेंगे, बाकी राज्यों में जो लूज करेंगे वो सब यूपी से भरपाई लेंगे। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, मतलब चूहा अगर बहुत मोटा होगा तो सिलबट्टे का लोढ़ा हो जाएगा, इससे अधिक तो नहीं होगा। आपके पास 64 सीटें आपने जीती 62% जो भी है, और 2-3 उपचुनाव जीत लिए आपने, तो आज की तारीख में आपके पास 66 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं 80, तो 80 में अगर 80 भी जीत गए आप तो फिर क्या कितने कितनी भरपाई करेंगे? इससे क्या बिहार की भरपाई हो जाएगी? इससे क्या पश्चिम बंगाल की भरपाई हो जाएगी? इससे क्या कर्नाटका की भरपाई हो जाएगी? इससे क्या कर्नाटका, ये तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, इस सब की भरपाई हो जाएगी 12-13 सीटों से? हिमाचल आप लूज करेंगे, महाराष्ट्र में आप लूज करेंगे, झारखंड में आप लूज करेंगे, हरियाणा में आप लूज करेंगे, कहां से भरपाई करेंगे? तो वो तो खैर एक अलग चीज होती है। अब असल बात क्या है कि जैसे अभी सुशांत भी कह रहे थे ना कि इन लोगों की जो कई लेवल पे लोग काम करते हैं, बौखलाहट तो अंदर से है ही है। एक तो जैसे अब चुनाव आयोग को मैनेज करने की, चुनाव आयोग ऐसा ही मैनेज रहता है, लेकिन उससे भी इनको संतोष नहीं हो रहा है कि शायद कहीं कोई अलग राग अपना शुरू कर दे। तो अब वो बना रहे हैं कि साहब जो एक नया विधेयक पेश करके कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होनी है उसकी कमेटी जो 3 लोगों की बनेगी उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर देंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक उनके कैबिनेट का कोई मेंबर होगा। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वाकई में किसी को रख भी दिया, आज की तारीख में तो कह सकते हैं कि लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, लेकिन मान लीजिए रख भी लिया तो 2 और 1 के बहुमत से अपना फैसला लागू कर लेंगे। दूसरी चिंता की एक बात और है, अभी एक भाजपा के एक सांसद में अरविंद है, डी अरविंद या कुछ इस तरह का नाम है, उन्होंने एक किसी समारोह में कहा कि आप ईवीएम का बटन दबाएंगे, नोटा पर दबाएंगे या इंडिया पे दबाएंगे, किसी और पार्टी पे दबाएंगे, लेकिन वो तो दबेगा जाकर खिलेगा तो कमल ही खिलेगा ना। ये बातें जो कह एक सांसद कह रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा करती है कि कहीं, और लोगों की जो आशंकाएं रही है कि ये ईवीएम को मैनेज करके चुनाव जीतते हैं, तो ये जो इनकी कारस्तानियां हो रही है उससे थोड़ा सा ये हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे हम लोग 1971 वगैरह में भी सुनते थे, पढ़ते थे कि साहब रिगिंग हो गई तो स्याही आ गई तो स्याही बदल दिया बैलेट पेपर का, लेकिन ये सब चीजें तो 1977 में नहीं हो पाई, ये सब चीजें 1989 में नहीं हो पाई, ये सब चीजें अगर स्वर्णिम भारत जैसे बताया जा रहा था तो 2004 में तो नहीं हो पाया। तो अगर जनता का मन बन जाएगा, जनता अगर खुलकर के सामने आ जाएगी सरकार या सत्ता के खिलाफ, तो फिर कोई भी चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो या ईवीएम की मशीन हो ज्यादा कारगर नहीं होती है, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, सबको ये पता रहता है। दूसरा जो है इसी तरह के, आप देखिए जो महंगाई का आलम है और मंत्रियों का अहंकार है, मतलब आप एक पत्रकार जो वो भी मीडिया के ही कहे जाते हैं, चाटुकार पत्रकार जिनको कहा जाता है, उन्होंने चर्चा कर दी मंत्रणी महोदया से कि साहब टमाटर 250 रुपए किलो हो रहा है तो आपके घर भी टमाटर आता है कि नहीं आता, तो उस पर जवाब देने के बजाय
वो मंत्री महोदया क्या कर रही हैं। आपको तिहाड़ जेल गए थे, आप सुना है, उसमें कैसा आपका अनुभव है? जो दिन रात चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ता है उसके बारे में एक मंत्री महोदया की धारणा है, आप समझ सकते हैं। महंगाई पर यह आलम है, बेरोजगारी की चर्चा ही नहीं होगी, कुल जमा एक ही है, वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है। आप देखिए मुजफ्फरनगर की जो घटना है राजीव जी, उसको आप अकेली घटना के रूप में मत देखिए, उसके पहले जितनी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, चाहे वो जयपुर से जो ट्रेन जा रही है मुंबई सेंट्रल के लिए, उस ट्रेन में एक जवान जो है आरपीएफ का जवान है जी। वो खोज खोज करके मार रहा है लोगों को और देख रहा है कि कौन मुसलमान है कौन ये है, और अपना सीनियर जो कोई मीरा जी है आदिवासी है, वो जब उसकी बातों का विरोध करते हैं तो उनको भी गोली मार देता है। तो जो नफरत की भावना फैलाई जा रही है, जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नफरत का जहर जिस ढंग से फैलाया जा रहा है लोगों के रगों में, अब इन बच्चों में जो होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जिस बच्चे को मुस्लिम कह करके बाकी बच्चों से पिटवाया गया, उन बच्चों के मन में क्या भावना होगी? जो पिटा है, जिस शर्मिंदगी जो महसूस कर रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस बच्चे के अंदर किस तरह की भावना होगी? तो ये उसी तरह की घटना है। नूह में जिस तरह का हुआ, जिस तरह से जय श्री राम के नारे बुला बुला करके लोगों को मारपीट कर रहे हैं, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं जरूर महसूस करने लगे हैं कि भाई हमको तो ये टारगेट बनाया जा रहा है जी। हमारा इस्तेमाल हो रहा है और फायदा कोई और ले रहा है। जिस दिन ये दलित और ओबीसी जातियों को, आदिवासियों को इस बात का एहसास हो जाएगा, आदिवासियों को लगभग हो चुका है, कर्नाटका में लोगों ने दिखा दिया है और भी जगहों पर जिस ढंग से हो रहा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जब ये हारे पिटेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा के, मिजोरम विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनावों के नतीजे बहुत कुछ तय कर देंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। अब हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि साहब 2018 में भी तो राजस्थान हार गई थी बीजेपी, छत्तीसगढ़ हार गई थी बीजेपी, मध्य प्रदेश हार गई थी बीजेपी, कर्नाटका में भी हार गई थी बीजेपी, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा बड़े बहुमत से जीत करके आ गई। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जनता की नाराजगी 2019 में भी उतनी ही थी, लेकिन बीच में जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, तथाकथित हमला हुआ, जिसके बारे में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक साहब, जो अभी भी भाजपा के साथ ही जुड़े हैं, उन्होंने न तो भाजपा से त्यागपत्र दिया है, न भाजपा ने उनको निकाला, वो अभी तक लगातार कर रहे हैं कि वो जानबूझ करके सरकार के द्वारा कराया गया था। आज तक पुलवामा की जांच रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई? कोई जांच हो गई है क्या? तो अगर पुलवामा नहीं होता और बालाकोट नहीं होता तो जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं या जो पोलिस्टर लोग हैं उस बारे में रिसर्च करके बता सकते हैं कि भाई अगर पुलवामा नहीं होता तो 2019 का रिजल्ट क्या होता, या अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हो गई होती तो 1990-91 के जो चुनाव के नतीजे थे वो क्या होते। तो इसलिए इस तरह की चीजें भी करती हैं, तय करती हैं, लेकिन सच यही है कि आम जनता पूरी तरह से नाराज है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार चरम पर है जी। भले ऊपर की बातें, लेकिन जो आम आदमी जिन बातों से दो चार होता है, चाहे वो चकबंदी से लेकर के जितने भी मामले हैं, कोई भी काम आज बिना पैसा दिए हुए तो हो ही नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। तो ये जो इससे ये जब दो चार हो रहे हैं लोग, तो वो तो सबके साथ हो रहा है, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, सिर्फ मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, इसके लिए तो नहीं हो रहा है, वो तो सारे लोगों के लिए, तो जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, हिंदुत्व की माला जपते रहते हैं, मोदी जी करते रहते हैं, उनको भी वही खरीदना पड़ रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए जैसे राहुल गांधी ने कहा ना, बहुत सही बात कही है कि निशाने पर सिर्फ मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम सीधे सीधे आमने सामने हो जाते हैं, इसलिए उनको टारगेट पर रखना इनको आसान हो जाता है, लेकिन इनके निशाने पर ईसाई भी हैं, इनके निशाने पर सिख भी हैं, इनके निशाने पर आदिवासी हैं, इनके निशाने पर दलित हैं। अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक दलित के चेहरे पर पेशाब किया गया, उसको लोग भूल सकते हैं क्या? वो कौन सी मानसिकता है? मणिपुर की हालत आप देखिए, अभी मैंने देखा, मेरे पास एक पत्र देखा मैंने,
मणिपुर के मिनिस्टर ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है कि साहब जो आप कर रहे हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले नहीं होगा, ये तो आप पहले से लिख लीजिए, चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं। ये भले ये कहते रहेंगे कि वहां के बहुत सारे हालात बदल गए हैं, स्वर्ग बन गया है, फिर से सब कुछ हो गया है, लेकिन चुनाव वहां ये लोग नहीं कराने जा रहे हैं, ये बात तय है। दूसरा यह है कि आपने जैसे ईडी सीबीआई और इस सब की बातें की है, हम जैसे हमारे पास जो सूचनाएं हैं, पता नहीं उसमें गलत भी हो सकता है, कि जो मुंबई में बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें जो रणनीति बनने वाली है उसमें एक बात यह भी है कि जितने इंडिया के मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लोग देश भर के महानगरों में कारपेट बॉम्बिंग करने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए कि कलकत्ता में अगर एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, विजयन, ये सारे लोग मिलकर के अगर बैठते हैं, ये दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं, और ये बताना शुरू कर देते हैं कि भाई सीबीआई और ईडी की जांच जो है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के घरों पे ही क्यों हो रही है, क्यों शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या हो रहा है, हेमंत विश्व शर्मा जो दुनिया का सबसे भ्रष्ट राजनेता जिसको हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था, उसके यहां ईडी का मामला कहां गया, जो अजित पवार जी 75,000 करोड़ के घोटाले में, सिंचाई घोटाले में जो फंसे हुए थे, उनके यहां सीबीआई और ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है, जो हसन मुशरिफ साहब है या छगन मुजमल साहब है जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी भोपाल की सभा में बोल रहे थे, तो उनके घरों पर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई पहुंच पा रही है। जब ये बातें एक साथ मिलकर के एक मंच से जब दर्जन भर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो वो पूरे देश भर में वो बातें सुनी जाएंगी। ये मुझे लगता है कि इन लोगों की एक रणनीति इस तरह की बन रही है कि पूरे देश भर में पहले जितने बड़े कॉस्मोपोलिटन सिटीज हैं, महानगर हैं बड़े बड़े, वहां जाएंगे लोग और उसके बाद पूरा का पूरा इनका ये होगा, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, और जो नफरत की राजनीति जिस ढंग से की जा रही है और उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको भी ये लोग जनता के सामने लाएंगे और समझाएंगे कि भाई देखो बहुत हो चुका है खून खराबा, अगर इसी तरह से अगर हम जाएंगे सिविल वार की स्थिति हो जाएगी तो कौन उसका शिकार बनेगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। वो शिकार कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई बौद्ध भी हो सकता है, कोई जैन, कोई भी हो सकता है, उसमें कहीं कोई नहीं है। जो आग लग जाएगी तो आग उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी वक्त है, अगर ये बातें अगर कही जाएंगी विपक्ष के मंचों से कही जाएंगी तो उस पर तो बढ़ेगा जरूर, लोगों में जनता में एक विश्वास तो पैदा होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं, चंद्रयान की जो बात आप कर रहे थे कि वो सीधे एथेंस से बेंगलोर चले गए, श्रीहरिकोटा चले गए, इसरो के मुख्यालय गए, वो इसरो के मुख्यालय सॉरी हाँ इसरो के मुख्यालय चले गए वो, तो उनके बारे में तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, प्रचार जीवी है, प्रचार के लिए कुछ भी मतलब भाई, उन्होंने उस दिन तो बधाई संदेश सब कुछ दे ही दिया था, लेकिन अब चूंकि वहां जाना है, रैली करना है और कैमरे में सिर्फ हम ही को आना है, इसलिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी मना कर दिया कि आप लोग मत आइएगा वहां, क्योंकि वो रहेंगे तो लाइमलाइट उनके ऊपर भी जाएगा, जा सकता है, कैमरे उधर भी घूम सकते हैं, तो साहब उनको मना कर दिया गया, सुबह साहब 6 बजे का समय है आप क्यों आएंगे, जबकि किसी भी राज्य में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई ना कोई जाता ही है। लेकिन अब देखिए दुनिया भर में जो यशोगान हो रहा है, जैसे अभी भाग हमारे रविकांत बता रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं आए इनको लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, जबकि वही राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति उनको शी जिनपिंग को लेने के गए, उनकी अगवानी करने के लिए गए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत देर तक जहाज में बैठे रहे, कहा नहीं उतरेंगे क्योंकि कोई बड़ा आदमी आया नहीं, तब जाकर के उपराष्ट्रपति को भेजा गया। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था, अमेरिका में भी कोई बड़ा आदमी उनको लेने नहीं गया था, राजदूत स्तर के लोगों से रिसीव करा करके वो गए। वो तो छवि ढिंडोरा पीटने के लिए तो कुछ भी है, आप कितने पर भी आत्मबुद्ध हो जाइए, प्रचार करिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया में जो हमारी स्थिति बन रही है, और चंद्रयान जो बार बार कह रहे हैं कि अगर चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है, जैसे वो बता रहे हैं बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं, तो फिर चंद्रयान 2 की जो विफलता हुई थी उसका श्रेय या उसका
इस जवाबदेही किसके पास है? विफलता का श्रेय भी लेना होगा। और अगर आप मानते कि 2019 का वो विफल नहीं रहा चंद्रयान का, तो फिर 2008 में जो चंद्रयान वन गया तो उसके लिए फिर तो मनमोहन सिंह जी को श्रेय देना चाहिए। उस समय ही से अनुकूल माहौल तो मनमोहन सिंह ने बनाया ना, जो चंद्रयान वन छोड़ा गया, चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। तो ये सारी बातें हैं। अगर विपक्ष के लोग एकजुट होकर के एक स्वर से एक मंच से अगर ये बातें देश भर के लोगों को समझाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या भाजपा का जो कार्पेट बॉम्बिंग तो इन्हीं लोगों ने शब्द दिया था, उसमें कहीं सक नहीं पाएंगे। और बहुत कठिन होने वाला है, ये चार राज्य तो हारेंगे। ऐसा लगता है कि तेलंगाना पक्की तरह से, तेलंगाना में जनता ऐसे भी कुछ खास नहीं है, केसीआर भी हो सकता है। कल को ये खबरें आ रही है कि केसीआर भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी जो बीआरएस वो भी आ सकती है। वो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा बता रहे सारे लोग, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तर कोशिशें तो हर जगह करते हैं, हर जगह ये पन्ना प्रमुख बनाते हैं, हर जगह ये सारे देश भर से जो विधायक, मंत्री, सांसद सबको ले जाकर के घरों में, गांव में घुमाते हैं। कर्नाटका में भी ये काम किया था इन्होंने, बंगाल में भी ये काम किया था, यूपी, राजस्थान, बिहार, कहां कहां से लोगों को लगा के रखा था। लेकिन हार तो गए, तो वहां पर भी हारे, कर्नाटका में भी हार गए। तो ये सब जब जनता में आक्रोश बहुत फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो ये सब धर्म और राजनीति, ये नफरत और ये सारी चीजें गौण होने लग जाती हैं। लोग जब अपने सवालों से, अपने जो मसले हैं उनके साथ जब आना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये सब तरकीबें काम नहीं करती हैं। राजीव जी, इतिहास इस बात का गवाह रहा है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि अगर एकजुट विपक्ष सामने आया, कोई एक रणनीति बन गई, हो सकता है कि उनके समन्वय समिति भी बनने जा रही है, वहां पर संयोजन समिति बन जाएगी, या सीटों का बंटवारे के बारे में भी कोई ना कोई एक फैसला, अगर ये सब चीजें कुछ सकारात्मक रूप से निकल कर आती है, तो मुझे लगता है कि 2024 कठिन नहीं बल्कि बहुत कठिन होने